नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश सिंह यूथ इंडिया लाइव के साथ। आज मैं आपको बताऊंगा फिटनेस की एक्सरसाइज जो आपको दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं। आप जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे आप करने से आपके वेल मेंटेन रहेंगे, आप बिल्कुल फिट रहेंगे, जिससे आप गुड लुकिंग और स्मार्ट दिखेंगे। एक्सरसाइज आज के दौर पर कोई करता नहीं है, जो कि उनके तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं और पेट बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, जो उन्हें दैनिक जीवन में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज हम आपको ऐसी एक्सरसाइज बताएंगे जिससे आपका मोटापा कम होगा, जिससे आप फिट दिखेंगे, गुड लुकिंग और स्मार्ट दिखेंगे। हमारी वीडियोज आपको मिलती रहेंगी डे बाई डे, आप हमारी वीडियो देखते रहिए। आइए चलते हैं पहली एक्सरसाइज की ओर। आपका जो मोटापा बढ़ता है, जिससे आपकी चर्बी बढ़ती है, इसे चर्बी को कम कैसे करते हैं, आइए हमको आपको दिखाते हैं इसे सबसे पहले कम कैसे करते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, नॉर्मली ऐसे सीधे बैठ जाइए, सीधे हैंड और पैरों को अपना स्ट्रेट की ओर को स्ट्रेट को दबा लीजिए, ताकि घुटने नीचे की ओर दबे रहें। फिर आपको हैंड ये स्ट्रेट ले लीजिए और बिल्कुल बॉडी को फिट रखिए यूं, और फिर आगे की ओर पुश करिए, बॉडी पुश करिए, ज़्यादा से ज़्यादा को पुश करिए। अभी आप जब ट्राई करेंगे ना, तो आपकी ये कमर ज़्यादा खुलेगी नहीं और नीचे की ओर बढ़ेगी नहीं, ठीक है। अभी ज़्यादा से ज़्यादा पुश करिए, जब धीरे धीरे आप रोजाना कंटिन्यू करते रहेंगे ना, तो आपकी ये कंटिन्यू बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली, और आपका ये सिर्फ घुटनों में लग जाएगा इस तरीके से। और ज़्यादा से ज़्यादा देर आपका सिर आप घुटनों में जब लगाए रखेंगे ना, तो आपकी ये यहाँ फिटनेस चर्बी गलेगी, जिससे आपका मोटापा कम होगा। जिस तरीके से कुछ भी सिर को ज़्यादा से ज़्यादा देर नीचे रखिए और हैंड स्ट्रेट रखिए काफ़ी से काफ़ी देर। अभी आप जब ट्राई करेंगे, आपका सिर यहाँ घुटनों में नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी कमर जकड़ेगी। जब रोजाना आप यूँ प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी कमर और आपका सिर घुटनों में लगता रहेगा। आप फिर सोचेंगे कि आपका सिर यहाँ लग जाए, फिर आपको क्या करना है। जब आपका सिर यहाँ घुटनों में कंटिन्यू लगता रहे, जिससे आपकी चर्बी घटेगी, कम होगी और आपको मोटापा कम होगा। फिर आप वेल मेंटेन अपने लेग्स ओपन कर दीजिए। लेग्स ओपन करने के बाद आपका ये प्रयास रहेगा, आपका सिर है जो ये जमीन पे लगना चाहिए यूं, इस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आप करिए, जिससे आपका ये कंटिन्यू होते रहे। कम से कम 10 से 15 बार ये आप कंटिन्यू करते रहिए, फिर आपका सिर लगने लगे, आप अपने लेग्स ओपन कर लिए। जितने आप लेग्स ओपन करते जाइए और सिर अपना लगाते रहिए। लेग्स जब आपको ओपन करेंगे, तो आपको यहाँ पे दर्द होगा, ठीक है। अभी आपका यहाँ सिर नहीं लगेगा, धीरे धीरे प्रयास करिए और आपका सिर नीचे लगने लगेगा, इस कुछ इस तरीके के यार। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नीचे रुक लेते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, आपका सिर यहाँ रुकने चाहिए, जिससे आपका मोटापे में काफ़ी कमी आएगी। अब आपको हम दिखाते हैं मोटापे के कुछ और कैसे कम करने और टिप्स क्या हैं। आइए आपको न्यू टिप्स बताते हैं, ये इस तरीके से। पहले मैंने आपको बताया था, आप घुटने आपको ये आपने यहाँ लगाया था, जिससे आपको काफ़ी चर्ब लोग कम हुआ था, जिससे आपका मोटापा कम होगा। आइए अब हम आपको बताते हैं लेट के आराम से कैसे करना है। कुछ इस तरीके से आप अपना लेट जाइए, ठीक है। लेट के आप लेटने के बाद लंबी एक सांस लीजिए, फिर आप हवा में कुछ इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप साइकिल चलाइए। साइकिल तो आप लोग चला ही लेते होंगे जाहिर से यार, कुछ लोग घर में बच्चे साइकिल चलाते रहते हैं। घर में आप कुछ भी नहीं, नॉर्मली अगर आप लेटे हों यूँ साइकिल चलाते रहिए, जिससे आपके यहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा और चर्बी गलेगी और आपका मोटापा कम होगा। इस तरीके से चर्बी चलाइए। पहले आप राइट चला रहे हैं, फिर लेफ्ट में रही भी चर्बी चलाइए साइकिल, पहले सीधे फिर उल्टा, ये साइकिल चलाते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। जब आपके पैर दर्द कर रहे हैं, फिर रुक जाइए, फिर एक लंबी सांस लीजिए। फिर आपको एक सिंपल तरीका होता है, आप अपना लेग ओपन कीजिए, 1 by 1, 1, 2, फिर आपको धीरे धीरे आपको इसे बैक में लेके जाना है जितना देर। अभी आप जब आप ट्राई करेंगे ना, तो आपका भी नहीं जाएगा, आपको यहीं पर रुक जाएगा। फिर धीरे धीरे इन हैंड को आप जमीन में पुश करिए, जब आप पुश करेंगे ना, तो आपका ये बैक में जाएगा यूँ, इस तरीके से कुछ आपको पुश लेके जाना है। आप रोके रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रोकने का प्रयास करिए और इन हैंडों को पुश कीजिए जमीन में। फिर धीरे से अपना आप लेग ओपन करिए, बिल्कुल बहुत स्लोली, और फिर आपको यहाँ धीरे से आ जाइए इस तरीके से। ऐसे करीबन आपको 10 बार करना है। फिर आप करिए, फिर आप लेग उठाइए, फिर सेकंड, फिर बैक में जाइए, फिर रुकिए, फिर सेकंड वाला उठाइए, फर्स्ट वाला उठाइए, फिर आपको फिर आ जाना, जिससे आपकी चर्बी काफ़ी कम होगी और मोटापा कम होगा। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि आप ये स्ट्रेट होके लेट जाइए, ठीक है। एक लंबी से सांस लीजिए, सांस आपने जब ले ली, फिर आप अपना लेग ओपन करिए, ठीक है, और सेकंड वाला ओपन करिए। फिर आपको ये पुश करना है, आपको ये
कमर है ना, कमर कमर को आपको पकड़ना है अपनी। कमर को जब आप पकड़ेंगे यू स्टेट में लेके, फिर आपको यहाँ पर आपको कंधों के बल पूरे शरीर को रोकना है। कंधों के बल, कंधों के बल अपना पूरा शरीर रोकिए, पूरा बॉडी पे जोर नहीं रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा जोर कंधों पे लगना चाहिए। और ये हैंड जो आपके इस साइड वाले ना, ये आपको जमीन में रहेंगे, इनसे आपको पुश करना होगा, तभी आपकी बॉडी यहाँ पर रुक पाएगी, ऐसा आपकी बॉडी ऊपर नहीं रुक पाएगी। कुछ इस तरीके से देखिए, इससे करने से आपको मोटापा भी काफी कम होगा, आपका मस्तिष्क भी चलेगा, और आपके एक सबसे बड़ी बात है, इसको करने से आपके बाल नहीं गिरेंगे, इसके ये बहुत अच्छे फायदे हैं आपके। इस तरीके से बॉडी मेंटेन करी, अगर आप चाहें तो यहाँ पर भी ऊपर आप साइकिल अपनी चला सकते हैं, जो कि आपकी चर्बी गिराने में काफी आपको मदद करेगी। एक कुछ इस तरीके से धीरे से आप अपना लाइए नीचे और आराम से बैठ जाइए और एक लंबी से सांस लीजिए। दोस्तों ये एक्सरसाइज मैं रोजाना डे बाय डे आपको बताऊंगा, और आप हमारे यूथ इंडिया लाइव पर आइए और हमारे एक्सरसाइज सीखिए और अपने गुड लुकिंग हैंडसम दिखिए और स्लिम दिखिए। यूथ इंडिया लाइव के साथ अश्विनी सिंह, जय हिंद जय भारत। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो देखिए, हमारी वेबसाइट है www.youthindialive.com। जय हिंद जय भारत।